मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे विल बी टीच स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट हिंदी वर्कशीट। आज के वर्कशीट में मैं आपको अलग अलग चीज़ें सब मैं आपको सिखाऊंगी। उसमें क्वेश्चन 1 हमें चीज़ों के रंग लिखो, हमको चीज़ दी हुई है उसके हमको रंग लिखना है। जैसे टमाटर, तो टमाटर कैसे कलर का होता है? लाल, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेड। ओके, पालक तो कैसे कलर का होता है? हरा, ग्रीन, सबको पता है ना। सेब, सेब कैसे कलर का होता है? लाल, उसको भी रेड बोलते हैं इंग्लिश में। कौवा, काला, कौवा कैसा होता है? काला, उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक। दांत कैसे होते हैं? सफ़ेद, उसको क्या बोलेंगे? वाइट। ओके, आसमान, आसमान कैसे कलर का होता है? ब्लू कलर का, नीला। ओके, केला येल्लो, पीला। बाल ब्लैक, काला। तरबूज ग्रीन, हरा। बैंगन बैंगनी। ओके, ये है इसमें चीज़ों के रंग लिखो। यहाँ पे चीज़ें आपको दी हुई है और उसको आपको क्या करना है, उसमें रंग के नाम लिखने और कुछ भी नहीं करना। ओके, उसके बाद क्वेश्चन 2, फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको जो आगे जो फिलिंग्स द ब्लैंक्स दी हुई है उसमें आपको क्या करना है, आगे जगह खाली रखनी है। पीछे आपको दी होगी खाली जगह और पीछे आपको शब्द दिए होंगे, वो आपको पूरा करना है। जैसे आगे हमको स्पेस दी होगी खाली, यहाँ पे म ल, तो कमल, महल, हमको म नहीं दिया होगा, हमको लिखना है हल दिया होगा और आगे स्पेस दी होगी तो लिखना है महल। यहाँ पे घर दिया होगा आपका, न लिखना है तो नगर। 4 सड़क, 5 नहर, 6 डगर, 7 चहल, 8 गमला, 9 ठठेरा, 10 नंबर में डमरू। ओके, फिर से हम पढ़ते हैं, कमल, महल, नगर, सड़क, नहर, डगर, चहल, गमला, ठठेरा, डमरू। ठीक है, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। हमको आगे वाले जो शब्द दिए होंगे वो हमको एग्ज़ाम में मिस दिए होंगे, हमको दिया नहीं होगा। आपको उसको चूज़ करके भरना है, आपको आना चाहिए कि कमल में अगर पीछे हमको कमल में अगर हमको आगे और शब्द नहीं दिया, मल दिया हुआ तो क आएगा, तो हमको पता होना चाहिए। ओके चिल्ड्रन, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। इसमें हमको दो शब्दों को मिलाकर नए शब्द लिखने हैं। आपको दो शब्द जो दिए हुए हैं उसको मिलाना है, प्लस हटाना है बीच में से और शब्द बनाना है। जैसे हमको यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है अज प्लस गर, तो हमको प्लस हटा देना है और दो शब्दों को मिलाना है तो अजगर हमारा शब्द बनेगा। जो सेकेंड नंबर पे खटमल, तो हमको क्या करना है, ख ट प्लस म ल दिया हुआ है तो ख ट प्लस हटा देंगे तो खटमल, तो हम यहाँ लिखेंगे खटमल, ये आपको लिखना है। ठीक है, थर्ड नंबर में टम प्लस टम तो टम टम, ये आपको लिखना है। ठीक है, अदरक तो अदरक, बीच में जो प्लस है वो क्या कर देंगे, हटा देंगे, प्लस को क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद उप प्लस हार तो उपहार, तो वो हम लिखेंगे। ओके चिल्ड्रन, उसके बाद कट कट, तो यहाँ पे लिखेंगे कट प्लस कट, तो यहाँ पे प्लस हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कट कट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कट कट। उसके बाद 7 नंबर में कट प्लस हल, कट हल, कट प्लस हल, तो क्या हो जाएगा, कट हल, यानी जो प्लस है बीच का उसको हमको हटा के शब्द बनाने हैं, दो शब्द बनाने हैं। ओके चिल्ड्रन, उसके बाद उप प्लस वन, तो उप वन, हमको प्लस हटा के दो शब्दों को मिला के क्या बनाना है, मिलाकर एक नया शब्द बनाना है। ओके चिल्ड्रन, उसके बाद अप प्लस मान, अपमान, तो प्लस हटा देंगे, अप प्लस जो लिखा हुआ है प्लस को हटा देंगे तो अप और मान हो जाएगा। ओके चिल्ड्रन, ट मा ट र, तो ट मा ट लिखेंगे, बीच का प्लस हटा देंगे। ओके चिल्ड्रन, बीच का प्लस क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। ठीक है, नीचे वाले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, उसमें अपने को दिया है कि रिक्त स्थान भरिए। आपको ये वर्कशीट खुद करनी है। आगे के मैंने क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 मैंने आपको सॉल्व करके बताए हैं,
पर अब मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूँगी, उसका आंसर बताऊँगी, मैं उसको आपको लिख के नहीं दूँगी। वो आपको वर्कशीट अपने घर पे खुद ही लिखना है। आपको हिंदी की जो हिंदी प्रवेशिका है, नूतन अभिनव हिंदी प्रवेशिका जो आपके पास बुक है, उसमें उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन वन लिखना है, पहले चीज़ों के रंग लिखो, मैंने आंसर लिख दिया। क्वेश्चन टू, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये मैंने आंसर आपको बता दिया है। फिर यहाँ पे देखिए, दो शब्द को मिलाकर नए शब्द बनाओ, उसमें मैंने आपको सब आंसर बता दिए, पर मैंने लिखा नहीं है, वो आपको खुद लिखना है। ओके चिल्ड्रन, वो आपको खुद लिखना है। क्वेश्चन नंबर फोर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसमें क्या करना है आपको, क क के बाद क्या आता है, ख ग, क ख ग, ठीक है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे ये हो गया है, यहाँ पे च, यहाँ पे आएगा घ, फिर च, ये मैंने बाय मिस्टेक दो लाइन कर दिया, आपको ध्यान रखना है, च छ ज झ ट ठ, यानी आपको पूरा क से श तक में जो मिसिंग दिया हुआ है वो आपको लिखना है, जो लिखा हुआ है उसके आगे जो आता हो वो आपको कंप्लीट करना है। ओके चिल्ड्रन, ये आप कर लेंगे, ठीक है। अपनी जो हिंदी प्रवेशिका की जो आपकी बुक है उसके अंदर आप देख के कलर क ख ग तो आपको आता ही होगा, ठीक है। क ख ग कितनी बार आप लिख चुके हो, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, ये आपको हर बार रिपीट होता है, ये आपको लिख लेना है, ठीक है, क से लेकर श्र तक। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फाइव, उसमें आपको व्यंजनों को अंग्रेजी में लिखना है, ठीक है। ये मैंने आपको दिया हुआ है, वन टू, कितने हैं टोटल काउंट करते हैं, टू थ्री फोर फाइव, और ये फाइव, टेन, आपको मैंने टेन दिए हुए हैं। इसमें से आपको क की स्पेलिंग क्या होती है वो आपको लिखना है, जैसे के ए, ख की के एच ए, ठीक है, आपको मैंने बीच बीच में से दिया हुआ है, समझ में आया, क तो के ए, ख तो के एच ए, थ तो टी एच ए, द तो डी ए, ह तो एच ए, श एस एच ए, घ डी एच ए, ध त टी ए, प पी ए, ब बी ए, ये आपको मैंने आपको बता दिया है, पर लिखना आपको खुद है, ठीक है, मैं आपको लिख के नहीं दे रही हूँ। और नीचे क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको गिनती लिखनी है, गिनती लिखो एक से दस तक शब्दों में, टू दो बार, ठीक है, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर सिक्स में गिनती लिखनी है एक से दस तक शब्दों में दो बार, ये आपकी वर्कशीट आज की, क्वेश्चन नंबर सिक्स तक की वर्कशीट है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। आपको आज के वीडियो में क्या क्या करना है मैं स्टार्ट से आपको बताती हूँ। आपको क्वेश्चन वन डालना है, चीज़ों के रंग लिखिए, फिर आपको सेम कॉपी करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है उसमें कॉपी करना है, फिर थ्री, दो शब्दों को मिलाकर नए शब्द आपको लिखने हैं, आपको दो शब्द मिलाकर नए शब्द लिखने हैं, उसके बाद रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है, फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है, ठीक है। क के बाद क्या आता है, ख के बाद क्या आता है, ग के बाद क्या आता है, घ के बाद क्या आता है, वो आपको सब लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, व्यंजनों को अंग्रेजी में लिखो, आपको व्यंजन है जो अंग्रेजी में लिखने हैं, गिनती लिखनी है एक से दस तक शब्दों में, ठीक है। ये सी डब्ल्यू में आपको वर्कशीट लिखना है, राइट एंड रीड वन टाइम, ये आपका आज का एच डब्ल्यू है, 19 डेट का आपका एच डब्ल्यू। ओके चिल्ड्रन, आपको ये वर्कशीट पूरी रेडी करनी है, आंसर मैंने जिसके लिखे हैं वो आप लिख लेना, जिसके नहीं लिखे वो अपने आप आपको लिखना है, ठीक है, तभी आपको खुद लिखना आएगा। जब अपने आप करोगे, आप कॉपी करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ओके चिल्ड्रन, आपको जो गिनती लिखने को मैंने बोली, पहले आप एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस लिखेंगे, उसके हिसाब से एक को शब्दों में एक बोलते हैं, दो को शब्द लिखना है, तीन को शब्द, यानी शब्दों में भी लिखना है आपको और ऐसे भी लिखना है। ओके चिल्ड्रन, लिख लेंगे आप, ठीक है। आपको गिनती तक यहाँ तक कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स की वर्कशीट मैंने आपको रेडी कर दी, उसके आगे भी मैं एक नई वर्कशीट बताऊंगी, उसमें भी मैं आपको कुछ नया सिखाऊंगी। ओके चिल्ड्रन, आज की वीडियो में हम इतना ही कर रहे हैं, क्वेश्चन वन टू थ्री फोर एंड फाइव सिक्स,
ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा आपको एक्सप्लेन करेंगे, दूसरी वर्कशीट। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।